Hi, welcome to my channel. It's been solved creating question number 1. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3.8 cm. So AB de diya aapka 3.8 cm. BC is equal to 3 cm. BC is 3 cm. AD is 2.3 cm. AC is equal to 4.5 cm. This diagonal. And BD is equal to 3.8 cm. This diagonal. Okay. So, two diagonals ka length diya hua hai aur three sides of this quadrilateral are given. अब करना क्या है? इसमें जिसका भी length दिया हुआ है, उसको आप starting वहाँ से कर सकते हैं. मतलब किसी भी एक length को start कर सकते हैं लेकर के जिसका length यहाँ पर दिया हुआ है. जिसका length नहीं दिया हुआ है, केवल एक ही side है यहाँ पर DC. तो DC का length हम यहाँ पर draw कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लेकर के start करेंगे नहीं. तो हम चलिए start करते हैं. पहले हम इस question में करते हैं AB से. ठीक है, सबसे पहले हम AB draw करेंगे 3.8. ओके, तो हमने ड्रा कर लिया यहाँ पर AB इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर. अब ध्यान दीजिएगा, A को सेंटर मान करके और 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप C कंस्ट्रक्ट करेंगे. C पॉइंट पर एक आर्क खींचेंगे और B को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक दूसरा आर्क खींचेंगे जो कट करेगा C पॉइंट पर. ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो आर्क्स खींच लिए हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर. तो इस पॉइंट का नाम हम देंगे सी. अब हम डी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो देखिए, डी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम बस देखेंगे कि किनकी वैल्यू दी हुई है. तो देखिए, ए पॉइंट से आप यहाँ देख सकते हैं कि ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.3 और बी पॉइंट से ये डायगनल दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर. तो आप ये बी पॉइंट को सेंटर मान करके 3.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर खींचेंगे एक आर्क और दूसरा आर्क खींचेंगे ए को सेंटर मान करके 2.3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के दूसरा आर्क. और दोनों आर्क जब इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट डी मिलेगा. ठीक है, लेट अस डू नाउ. ओके, तो हमने एक दूसरा आर्क भी खींच लिया है. मतलब कि दो आर्क्स ए से 2.3 सेंटीमीटर का और बी से जो है 3.8 सेंटीमीटर का आर्क खींचा हमने. तो यहाँ पे कट चुका है और ये पॉइंट मिला आपको डी. अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, मींस एडी मिला देंगे, एडी डीसी एंड बीसी. तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. लेट अस ज्वाइन. ओके, तो हमारे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है. ए बी सी डी आप देख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डायगनल्स को भी कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि हमें बस केवल कंस्ट्रक्ट करना था क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड. ओके, यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.